हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उसको भी वेलकम वेलकम, और जिसने नहीं किया उसको भी वेलकम। तो भैया, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आगे चल के इसी तरीके की वीडियोस और लाता रहूँ मैं, और मोटिवेशन भी मिलता रहे भाई। ये मेरी फर्स्ट टाइम है जो मैं वॉइस रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, तो अगर कुछ कमी पेशी हो भाई तो देख लेना, मेरे को बता देना कमेंट्स में कि कैसे और इम्प्रूव करना है। तो आप लोगों के हिसाब से थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ड्रैगन को कैसे मारना है, ठीक है, आसानी से। सो ओनली 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इस वीडियो को, इस ड्रैगन को मारने के लिए। बस ये फॉलो करने हैं कि आपको बहुत ही आराम से मारना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इसको मारने में। और क्या कहते हैं, आप अगर रेंज भी यूज़ करते हैं तो बहुत ही पेशेंटली आपको रेंज यूज़ करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप रेंज यूज़ कर रहे हो और उसी टाइम ड्रैगन उड़ जाए तो आपका रेंज भी वेस्ट हो सकता है। सो आराम से देख के करना, ताकि क्या कहते हैं, वो रेंज आपका वेस्ट ना हो और आप इस ड्रैगन को आसानी से मार सको। सो इस ड्रैगन को मारने के लिए, आसानी से ड्रैगन को मारने के लिए 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है कि, पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पेशेंट आराम से मारना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा ये है कि ड्रैगन वर्टिकली आग फेंकता है एक बार, और हॉरिजॉन्टली एक बार आग फेंकता है। उसके बाद एक फ्रंट में चल के आएगा, तो उससे भी आपको संभलना है। और दूसरा, जब उड़ता है तब आप इसको एरो से मार सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब वो एरो पे आप एंगल मारोगे तब आसानी से वो गिरेगा, फिर आप उसको मारो। और आग से बचो, ताकि आप उसको क्या कहते हैं, अपने आप अपने क्रिटोस को प्रॉब्लम में ना डाल सको। जैसे ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, बट वो शायद लगा नहीं, अभी आपको दिखाऊंगा लगा के। जैसे ये लगा और ये गिर गया ड्रैगन। तो ऐसे ही आपको कहते हैं एंगल मिला के मारना है, उसके बाद आप आराम से इस ड्रैगन को मार सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पकड़ेगा ज़रूर, तो आप आराम से मारें और ये 3 तरीके के स्टेप्स फॉलो करें, उस हिसाब से आप इस ड्रैगन को आसानी से मार सकते हो बिना मरे। और इस ड्रैगन को मारने के बाद फ्रेया बोलती है कि जो इस फ्रेया का ब्रदर है, उसका जो फ्रेंड था, जो याद है उस टाइम जब हम फ्रेया के ब्रदर को हमने रेस्क्यू किया था, तब वो घायल हो गया था और उसे बचाने के चक्कर में इसने अपने आप को बलिदान दिया था कूद के उस ड्रैगनों से मारने के लिए। तो वो ड्रैगन्स के साथ यहाँ पे फंस गया, इसलिए हमको उसको रेस्क्यू करना है, जो कि उसका नाम सिगरी है। तो हम चलेंगे अभी उसको कहते हैं रेस्क्यू करने। उससे पहले हम इस ओडिन के कौवे को ज़रूर मारेंगे, उसके बाद हम अपने उसको रेस्क्यू करेंगे। उससे पहले भाइयों, हम थोड़ा सा पहले इधर उधर टुटेल लें कि क्या चीज़ हमको मिल रही है। ओ वाओ, क्रिस्टल मिल गया हमें। और अभी हम एक चीज़ और लेने जाएंगे, उस नीले उसमें जो बना हुआ है, उसमें से भी कुछ लेंगे। ओ नाइस। चलो अब भाई लोग, हम लोग जाएंगे उसको रेस्क्यू करने। तो उससे पहले रेस्क्यू करने के लिए हमें इधर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें।
और भाइयों आदत बुरी है, तो हम लोग रेस्क्यू करने से पहले चेस लेंगे, उसके बाद हम रेस्क्यू करने जाएंगे उसको। तो हमने फाइनली भाई रेस्क्यू कर लिया है इसको, अब चलते हैं अपन। तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों बहनों उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिया जाए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, अब इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो पे। तो जल्द से जल्द भाई जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पे, और भाई आप लोग बताना कि आप लोगों ने ये गेम कितना लेवल तक कंप्लीट कर लिया है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भाई ये गेम आप किस प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं, PS5 में, PS4 में, PS4 पे, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो PS4 प्रो पे खेल रहे हैं जो कि 4K 30 FPS दे रहा है। आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आप वो ज़रूर बताइएगा मुझे।